जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दौड़ना सीखो। बिना दौड़े आप जिंदगी की रेस नहीं जीत सकते। दोस्तों, हम अक्सर बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? सभी लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, चाहे वो पैदल हो, गाड़ी में हो, साइकिल में हो, मोटरसाइकिल में हो, प्लेन में हो, किसी भी चीज़ में हो। आखिर क्यों भाग रहे हैं लोग? क्या आपने कभी सोचा है? आप घर से बाहर निकल तो जाते हो, बट कभी ये नहीं सोचते कि हर लोग, हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो चल रहा है, गा रहा है, जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने पेट के लिए कर रहा है, अपने फैमिली के लिए कर रहा है। लेकिन गाइज, आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? दोस्त, मैं ये नहीं कहता हूं कि मत चलो, रेंग के ही चलो, लेकिन चलो गाइज, रुको मत। रुक गए तो खत्म हो जाओगे। वक्त की, टाइम की वैल्यू को आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक दिन वैसा आएगा कि टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देगा। दोस्त, तो टाइम को रेस्पेक्ट करना सीखो, टाइम को इज्जत देना सीखो। टाइम को इज्जत दोगे तो टाइम भी तुमको इज्जत देगी। अगर टाइम को, वक्त को इज्जत नहीं दोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो टाइम ही यानी वक्त भी तुमको रेस्पेक्ट नहीं करेगी। दोस्त, तो दौड़ना सीखो। जिंदगी की रेस में नहीं दौड़ोगे तो नहीं जीत पाओगे। असल जिंदगी में आपको उसेन बोल्ट बनना पड़ेगा। बिना उसेन बोल्ट के आप ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत सकते। दोस्तों, धावक तो बहुत होते हैं, दौड़ने वाले रनर तो बहुत होते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ एक ही इंसान है। फर्स्ट सिर्फ एक ही इंसान आता है। दोस्त, आप सेकंड आ सकते हो, थर्ड आ सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो है वो एक ही इंसान आता है, एक ही इंसान होता है, और वही फर्स्ट आपको होना है। और अगर आपको फर्स्ट होना है, पहला आना है, तो आपको उस जैसा मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने तो उसेन बोल्ट का नाम सुना ही होगा, माइकल फ्लैप्स, इनका भी नाम सुना होगा। दोस्तों, माइकल फ्लैप्स को आप जानते हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक ओलंपिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी है, जो कि अमेरिका का एक स्विमर है। उसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते। मेरा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा दोस्तों, वो माइकल फ्लैप्स पे मैं बनाऊंगा। उसकी असल ज़िंदगी जान के आप हैरान हो जाओगे। रोज अपना 24 घंटे का 10 घंटा वो प्रैक्टिस करने में देता है। तो ज़रा आप सोचो, कोई इंसान 10 घंटा पानी में रह सकता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप डेली 5 घंटा पानी में रहो गाइज, तो आपका शरीर फूलना शुरू हो जाएगा, आपको सूजन हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो खिलाड़ी यानी माइकल फ्लैप्स रोज 10 घंटे बिताने के बाद भी बीमार नहीं पड़ता। क्यों? आखिर क्यों वो बीमार नहीं पड़ता? इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, उसका लक्ष्य, उसका एम्बिशन, उसका डिटर्मिनेशन। उसके बिना वो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अपने अंदर वो जज्बा लाओ, ताकि आप टॉप बन सको, ताकि आप दुनिया के उस बुलंदी, उस ऊंचाई तक पहुंच सको जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया को करके दिखा दो कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।